विराम बाद आपनुं स्वागत छे। केंद्र शासित प्रदेश दमण में समुद्र नारायण भगवान मंदिर नुं पुनः प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव नुं आयोजन करवामां आव्युं। दमण गंगा नदी अने समुद्र नुं संगम स्थळे आ भव्य मंदिर नुं निर्माण करवामां आव्युं छे। भारत में द्वारका पछी आ बीजो समुद्र नारायण नुं भव्य मंदिर छे। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में यज्ञ, ध्वजारोहण, मूर्ति स्थापना, महाआरती अने महाप्रसाद नुं आयोजन करवामां आव्युं छे। दमणना माछीमारो दरियामां जवा पहेला आ मंदिरमां दर्शन करे छे। श्री समुद्र नारायण भगवान की जय। हम लोग ये 3-4 महीने से चल रहा था समुद्र नारायण की जो प्राण प्रतिष्ठा थी, तो आज ये दिन हम लोग ने खास मुहूर्त देखे विधिवत किया है। और हाँ, ये समुद्र नारायण की स्टोरी है कि ये एक द्वारका में है, दूसरा यहाँ है। और जो सेम मूर्ति जो द्वारका की मूर्ति है वही ये मूर्ति है। और हमको हर गुरुवार शाम को हम लोग आरती करते हैं। और हम लोग सोच रहे हैं कि 15 पूनम को, दर पूनम, हर पूनम को महाआरती करेगा। ये क्या है कि डेस्टिनेशन होएगा दमन का, कि दमन में एक टूरिज्म सेंटर क्या एक ये भी रहेगा कि यहाँ लोग आरती के समय में, महाआरती समय में आएगा। और सामने हमारा जो समंदर है, जैसे गंगा होती है वैसे ये गंगा नदी है, तो यहाँ भी लोग ये देख के लोग ये होएंगे, प्रसन्न होएंगे। मंदिर जो बना है इंटरलॉकिंग सिस्टम है, तो ये भूकंप वगैरह आएगा तो उससे खास इफेक्ट नहीं होएगा। और अच्छी तरह से बनाया हुआ है। भगवान समुद्र नारायण हम लीला का आए पूरे संघ प्रदेश में मात्र एक ही मंदिर है, और एक मंदिर जो है वो द्वारिका में है। स्वाह कबला स्वाह भीषणा स्वाह समुद्र नारायण भगवान की महिमा लाए स्वाह। हमारे जो माझी समाज है आए स्वाह जटा लाए स्वाह, और जो धंधा के लिए समुद्र में जाते हैं आए स्वाह, वहाँ द्वारिका में पहले आए स्वाह गणप समुद्र भगवान का दर्शन करते हैं, उनके शिखर का दर्शन करते हैं। और बरसों की परंपरा है पूरे भारत वर्ष में मात्र दो ही मंदिर है, एक नानी दमन संघ प्रदेश में और एक द्वारिका में है। तो इसकी महिमा भगवान समुद्र नारायण, वही सत्य नारायण है, वही भगवान राम है, वही भगवान कृष्ण है। ये सनातन धर्म में पूरे भारत वर्ष में मात्र दो ही मंदिर है भगवान समुद्र नारायण का, संघ प्रदेश नानी दमन में और द्वारिका के अंदर। समुद्र नारायण भगवान के अंदर आस्था रखने में माझी समाज बहुत ही आस्था भगवान के अंदर रखते हैं। उनका दर्शन जब तक नहीं करते हैं तब तक वो लोग अपने धंधा रोजगार के लिए समुद्र में जाते नहीं हैं। तो बरसों की इनकी परंपरा है। और यहाँ पुनः भगवान समुद्र नारायण की प्राण प्रतिष्ठा की आज स्थापना हो रही। मंदिर ये लोग पत्थर का नया बनाया है, बहुत ही भगवान के प्रति, सनातन धर्म के प्रति पूरे समाज की एक आस्था जो है, निष्ठा जो है, और पूरा समाज आज समुद्र नारायण भगवान मय बन गया है। जैसे अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और ये लोग बरसों से भगवान राम में ही हैं, और वही राम आज समुद्र नारायण के रूप में आज इनकी स्थापना हो रही है।